मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर कातिलाना हमला। इकरारुल हसन खून से लथपथ हो गए। हमला किसने किया और अब इकरारुल हसन कैसे हैं, मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको शोबिस से आने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन बआसानी पहुँच सके। नासिन, इकरारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ है। उनकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें उनके चेहरा खून से लथपथ था। ये शोर मच गया कि इकरारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन असल माजरा क्या था ये लोग ना जान सके। और बात फैलते फैलते यहाँ तक पहुँची कि इकरारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ है और वो शदीद जख्मी हो गए हैं। असल माजरा क्या था वो कोई नहीं जानता था, लेकिन नाज़रीन हम आपको बताते हैं। असल में इकरारुल हसन पर कोई सोची समझी स्कीम के तहत कातिलाना हमला नहीं हुआ था, बल्कि इकरारुल हसन एक जगह पर खड़े थे कि वहाँ पर शादी हो रही थी। शादी पर कुछ लड़के हवाई फायरिंग कर रहे थे और इकरारुल हसन वहीं पर पास खड़े थे। इकरारुल हसन ने उन यंग लड़कों को इस बात से रोका कि ये बहुत गलत बात है कि आपकी फायरिंग से किसी की जान भी जा सकती है। इकरारुल हसन की ये कहने की देर थी कि उन लड़कों ने माइंड किया और उन लड़कों ने इकरारुल हसन पर हमला कर दिया। इकरारुल हसन की जब उन लड़कों से हाथापाई हुई तो इसी दौरान इकरारुल हसन के चेहरे पर एक गहरा जख्म आया, जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इकरारुल हसन के चेहरे पर जख्म आया है और इस इंजरी से खून बह रहा है। उसके बाद इकरारुल हसन ने एक वीडियो में बताया, फौरी तौर पर इकरारुल हसन गायब हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपनी वीडियो शेयर की उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ क्या माजरा हुआ था। बाद में इकरारुल हसन ने अपने अकाउंट पर यह वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं और खैरियत से हैं। नाज़रीन आप ये वीडियो देखिए। सर जी, हम आए आपके पास, हम आपके जो सदमा आपके पहुंचा, आप भी हमारी पुत्र है और वो भी हमारी पुत्र है। ठीक है, बच्चे या बच्चों से गलती हो सकती है भाई। मैं आपसे आप मेरी बात सुन, बेशक ना माने आप जो है ना मेरे लिए आप गालियां निकाल लो, मुझे मार दे, मगर बच्चे उधर शादी है और आप लोगों को पता है। एक मिनट, एक आप मुझे तो नहीं पता था कि आप किस तरफ से तशरीफ लाए हैं। मैंने आपके सामने एसपी साहब को ये कहा कि मेरी कोई जाती दुश्मनी उनसे नहीं है, यही कहा मैंने, पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मैं इसका मेडिकल भी नहीं करवाऊंगा और ये मेडिकल करके मैं अल्टीमेटली मैं कभी मुझ पे तो जिस एसएचओ ने थाने में हाथ उठाया मुक्के मारे, मैंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, मैं नहीं करूँ। लेकिन जो फायरिंग करते हुए वो आ रहे हैं, जो जो उन्होंने यहाँ रोक के वो किया है, वो तो कानून में मेरा भी इकरारुल हसन के चेहरे को देखकर लगता है कि उनका जख्म काफी गहरा है और उनको ठीक होने में चंद दिन लगेंगे। इकरारुल हसन के बारे में ये सैड न्यूज सुनकर आपको कैसा लगा? इकरारुल हसन का कहना है कि वो अब काफी बेहतर हैं। नाज़रीन, इसी अफसोसनाक खबर के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।